आज हम उबले हुए आलू से बहुत टेस्टी नाश्ता बनाने जा रहे हैं। आलू को पहले उबले हुए आलू को पहले कद्दूकस कर लेंगे इस तरह से। कद्दूकस कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। उबले हुए आलू और घर में पड़े सामान से बना सकते हैं ये टेस्टी नाश्ता। चार हम उबले हुए आलू लिए हैं। आलू बड़े साइज का है, देखिए बड़े साइज का आलू है। आलू को कद्दूकस कर लिए हैं। अब हम इसमें बाकी सामान डालेंगे। दो चम्मच कॉर्न स्टार्च, दो चम्मच डालेंगे कॉर्न स्टार्च। मैदा चार चम्मच, बारीक कटा हुआ तीन मिर्ची है इसको डाल देंगे। आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है इसको भी डाल देंगे। चाट मसाला एक चम्मच, मिर्ची पाउडर एक चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार आधा चम्मच डाले हैं, हल्दी आधा चम्मच, जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर एक चौथाई चम्मच, आधा चम्मच खड़ा जीरा भी डालेंगे, गरम मसाला आधा चम्मच और थोड़ी सी धनिया पत्ती डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा भी लम्स नहीं रहना चाहिए इसलिए कद्दूकस किए हैं। अगर थोड़ा गीला लगे तो एक चम्मच और मैदा डाल सकते हैं और इसको मिक्स कर सकते हैं। इसमें ये तैयार हो गया है। अब हम इसको इस तरह से लोई बना लेंगे। और इसको इस तरह से लंबा बेल लेंगे थोड़ा सा आटा लगाकर। इस तरह से हाथ से लंबा रोल कर लेंगे। इस तरह से लंबा करके चाकू की सहायता से इस तरह से लंबे लंबे काट देंगे। इस तरह से प्लेट में रख लेंगे ऐसे काट कर। इस तरह से सारे काट कर दिखाते हैं आपको। इस तरह से सबको बना लिए हैं। अब हम चलते हैं बनाने के लिए।
अब हम एक कढ़ाई में पहले से तेल गरम किए हैं, अब हम इसको इसमें डालकर तल लेंगे। एक मिनट इसको फ्राई होने देंगे। एक मिनट हो गया है, अब हम इसको पलट देंगे। इसको पलट पलट कर अच्छे से सुनहरा होने तक पका लेंगे। ये हमारा हो गया है, बन गया है। 2 से 3 मिनट लगा इसको, स्लो फ्लेम पर ही बनाना है इसको। कितने अच्छे से फूल रहा है, सब फूला फूला बना है। अब हम इसी तरह से दूसरे बैच को भी बना लेंगे। ये भी बनकर तैयार हो गया है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। देखिए ये सारा बनकर तैयार हो गया है। इस तरह का नाश्ता बहुत जल्दी बन जाता है, आप कभी भी इसको बनाकर खा सकते हैं। शाम के टाइम चाय के साथ भी खा सकते हैं, इसको सॉस या चटनी किसी भी चीज़ के साथ बनाइए और खाइए हमारा रेसिपी। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।